हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो देखकर आपका बहुत ही काम आसान होने वाला है। दोस्तों, अगर आपके पास किसी भी तरह की पीडीएफ है, चाहे हिंदी में हो, इंग्लिश में हो या किसी भी लैंग्वेज में हो, उस पीडीएफ को दोस्तों अगर आप पढ़ते हैं तो पीडीएफ को पढ़ने में यहाँ पर हमारा बहुत टाइम लग जाता है। चाहे दोस्तों हमारी स्टोरी की पीडीएफ हो या कोई मोटिवेशनल पीडीएफ हो या किसी दोस्तों बुक की पीडीएफ हो। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे कि हम अपनी पीडीएफ को हिंदी में कैसे सुन सकते हैं या इंग्लिश में कैसे सुन सकते हैं। तो दोस्तों, जिस एप्लीकेशन के बारे में आज बात करने वाला हूँ, वो एप्लीकेशन किसी भी पीडीएफ को हिंदी या इंग्लिश में आवाज़ में आपको सुना देती है। आप पीडीएफ एप्लीकेशन में डालेंगे और उस पीडीएफ को दोस्तों आप अपनी मनपसंद लैंग्वेज में सुन सकते हैं। आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास कोई बुक हो, कोई स्टोरी की आप पीडीएफ हो, तो बिल्कुल आसानी से आप उस पीडीएफ को ऑडियो में सुन सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले हमें एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी। एप्लीकेशन का नाम है हमारी T2S। इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या आप प्ले स्टोर से जाकर डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लोगो देख सकते हैं, यही आपको डाउनलोड कर लेनी है। मैं इस पर क्लिक करके इसे ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद दोस्तों फर्स्ट टाइम आपको इस तरीके से यहाँ पर इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर हमें पीडीएफ कैसे सेलेक्ट करनी है, उसके लिए दोस्तों यहाँ पर हमें 3 लाइन दिख रही है, इस पर हमें क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन दिखाई गई है। यदि दोस्तों पहले से आपने कोई पीडीएफ इसमें डाली है तो रिसेंट फाइल में जाके उसे आप सुन सकते हैं। और यदि दोस्तों किसी पीडीएफ को पहली बार सुनना चाहते हैं यहाँ पर, तो ओपन फाइल पर क्लिक करेंगे। ओपन फाइल पर क्लिक करने के बाद जहाँ भी आपके मोबाइल में पीडीएफ होगी, वो सब पीडीएफ दोस्तों यहाँ पर इस तरीके से आ जाएगी। जैसे मैंने अभी एक हिंदी की पीडीएफ डाउनलोड की है आपको केवल सुनाने के लिए, उस पर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर एक स्टोरी की पीडीएफ है। जब यहाँ पर आप इस पर आइकन पर क्लिक कर देंगे प्ले वाले पर, तो यहाँ पर ये शुरू हो जाएगी चलना। लेकिन उससे पहले आपको सेटिंग वाले आइकन पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपकी पीडीएफ की लैंग्वेज कौन सी है, आप पीडीएफ को किस लैंग्वेज में सुनना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हमने इंग्लिश किया है, तो यहाँ पर हमारी हिंदी की पीडीएफ है, हमें हिंदी में सुननी है, तो मैं यहाँ पर हिंदी में कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर बैक आ जाते हैं, मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। उसके बाद जैसे ही दोस्तों आप प्ले वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपकी पीडीएफ को यहाँ पर सुनाना चालू कर देगा। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, इस पर क्लिक करते ही दोस्तों आपने देखा होगा कि हमारी पीडीएफ की ऑडियो में आवाज़ चलनी शुरू हो गई थी, यानी हम अपनी पीडीएफ को आसानी से सुन सकते हैं। यदि दोस्तों आप किसी भी पीडीएफ के कोई से भी पार्ट को यहाँ पर सुनना चाहते हैं, तो यहाँ पर उसमें नीचे स्क्रॉल आप डाउन करेंगे। यहाँ पर डाउनलोड करने के बाद जहाँ से भी आप अपनी पीडीएफ को सुनना चाहते हैं, मान लो आपको कहीं बीच में से सुनना है, लास्ट में से सुनना है, या मान लो आपकी पीडीएफ में बहुत सारे पेज है, तो यहाँ पर वो चीज़ सर्च कर सकते हैं। अपने पेज को यहाँ पर सर्च करेंगे और जहाँ से भी आप सुनना चाहते हैं, जो भी चीज़ सुनना चाहते हैं, वो यहाँ पर सुन सकते हैं। मान लो आपके पास कोई बुक है और उसका आपका 100 पेज या 150 पेज सुनना है, तो यहाँ पर वो सिलेक्ट करके उसे भी यहाँ पर आसानी से आप सुन सकते हैं। जैसे मैं आपको नीचे से प्ले करके दिखा देता हूँ, यहाँ से हमें सुनते हैं, तो यहाँ पर हमारी पीडीएफ की सुनाना चालू हो जाएगी। यहाँ पर इस पर हमारा ऑटोमेटिक यहाँ पर चालू हो चुका है। बीच में से अगर आपको कहीं से सुनना है, यहाँ पर बीच में क्लिक करता हूँ, तो हमारी पीडीएफ यहाँ पर आवाज़ आना शुरू हो चुकी है, यानी हमारी पीडीएफ को हम सुन सकते हैं कहीं भी क्लिक करके। तो दोस्तों, अगर आपके पास किसी भी तरह की पीडीएफ हो, बुक हो, और आप अपना टाइम बचाना चाहते हैं, तो इस एप्लीकेशन में अपनी पीडीएफ को डालकर बिना पढ़े दोस्तों आसानी से अपनी पीडीएफ को हिंदी या इंग्लिश या किसी भी लैंग्वेज में सुन सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।